खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। पता है बेगूसराय का जो समीकरण है अमर कुमार के नामांकन कर देने से गिरिराज सिंह की नैया फंसती हुई तो नजर नहीं आ रही? कभी नहीं, क्योंकि गिरिराज सिंह का नाम अब जाके नॉमिनेट हुआ है। अमर जी तो पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं, जब बंदवार में किसानों के साथ परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जब कन्हैया के आदमी किसानों की जमीन को खुलेआम हड़प रहे थे, तो गिरिराज सिंह या उनका कोई आदमी वहां पर गया तक नहीं था, वहां पर अमर सिंह खड़े थे। क्या लग रहा है कन्हैया कुमार, गिरिराज सिंह, तनवीर हसन और फिर अमर कुमार? अमर जी, तनवीर हसन या गिरिराज या फिर बाकियों के कन्हैया के बाद नहीं आए, पहले अमर सिंह थे, फिर कन्हैया, फिर गिरिराज सिंह आए। जब किसानों के जमीन को कन्हैया के लोग हड़प रहे थे, उस समय गिरिराज सिंह या कोई पार्टी का लोग कोई भी उनको देखने नहीं गया था, सिर्फ अमर सिंह जैसा आम राष्ट्रवादी युवा खड़ा था। क्या बंदवार लोकसभा क्षेत्र की जगह नहीं थी बेगूसराय की? तो इससे पता चलता है कि जो एक गांव नहीं संभाल पाते हैं, उस शहर क्या संभालेंगे। और गिरिराज जी पिछले 5 साल से संसद है, उनका संसदीय क्षेत्र नवादा आरटीआ लगा के देख लिया जाए, उन्होंने क्या हिंदूवादी काम किए। और हम लोग खुलेआम कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र, अमर जी खुलेआम कहते हैं जय हिंदू राष्ट्र, हमारी पार्टी खुलेआम कहती है जय हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर 370-35A सब पर हम लोग लीगल लड़ रहे हैं। इसलिए ये कहा जाए कि अमर जी से गिरिराज जी को नुकसान, ये तो इम्पॉसिबल है, गिरिराज जी तो हिंदूवादी है ही नहीं। अच्छा, हम लोगों ने गिरिराज सिंह के आदमी को कहा था, जब तो वो फायर ब्रांड कहे जाते हैं, गिरिराज सिंह सिर्फ बोलने वाले, करने वाले कुछ भी नहीं, आटिया लगा के आप देख सकते हैं, आप तो पत्रकार है। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी, गिरिराज सिंह के आदमी हमारे पास आए थे कहने के लिए कि अमर जी को बैठा दिया जाए, क्योंकि हम लोग धर्म में कमजोर है। हम लोगों ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया था कि हम लीगल 500 लोगों के बीच में आपको अपना मैनिफेस्टो देते हैं, आप लिख के दीजिए, 3 मंथ के भीतर आप सरकार की बात छोड़िए, आप प्राइवेट बिल नहीं ला पाते हैं तो आप संसदीय पद से इस्तीफा देंगे। गिरिराज सिंह के लोगों ने कहा कि मैडम आप क्या बकवास कर रही है, मतलब गिरिराज सिंह कैसे हिंदूवादी नहीं। क्या नाम है आप? राजश्री। अच्छा, आप इस पार्टी से क्या? राष्ट्रीय युवा प्रभारी, राष्ट्रीय युवा प्रभारी महासभा, हिंदू महासभा से। अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय और वीर सावरकर की ये संस्था है जी, और कुछ गुरुकुल है ये। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीर सावरकर को आज के डेट में देश में गाली भी देते हैं। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? सर, हर युग में ना गांधी गोर से 2 लोग हुए हैं। अभी एक समय आता है कि जब रावण के भी फॉलोअर्स होते हैं, राम के फॉलोअर्स को तो संघर्ष करना पड़ा है ना, तो ही बात है, हम लोग गोरसेवादी है। और हम समय के साथ, आज देखिए ना, कल गोरसे का नाम लेने से कोई कतराता था, आज हमारी पीढ़ी गोरसे का नाम ले रही है ना, आने वाला देश गोरसे सावरकर जैसे भी होगा। अमर कुमार की छवि और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का विकास क्या लगता है? अमर जी यदि इस क्षेत्र के सांसद बनते, जो बेरोजगार में मुक्त होगा, आप हमसे कोर्ट के एग्रीमेंट में लिख के रख लीजिए, धार्मिक उन्माद मुक्त होगा, जबकि हम हिंदू राष्ट्र की बातें करते फिर भी यहाँ पे धार्मिक कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है सशक्त भारत। 1857 से पहले जब हमारा देश गुलाम था, तब हम वर्ल्ड लेवल पे 23% से ज्यादा GDP कंट्रीब्यूट करते थे। और एक देश का विकास ना कभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं करता, हमेशा सांसद या विधायक करता है। बेगूसराय में जो आप लड़ रहे हैं, आपका चुनावी मुद्दा क्या है? मेरा चुनावी मुद्दा है जमंगला गढ़ को पर्यटक स्थल बनाया जाए, वहाँ पे नौका अभियान शुरू किया जाए। हम देशवादी मुद्दा ना करके हम सिर्फ बेगूसराय की मुद्दा करें, तो इसमें जो भी हमारा जो संसदीय कोष निधि होगा, इससे बेरोजगार मुक्त, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो जिला होगा, ये ऐसे मानिए ना कि दूसरा इजराइल होगा, हर चीज से सशक्त। क्योंकि अब भारत को भारत कहिएगा तो बहुत सारे पार्टी वाले हंसने लगते हैं, तो मेरा क्षेत्र इजराइल होगा, नो डाउट। ये संसदीय चुनाव में आपकी लड़ाई किनसे है? मेरी लड़ाई इन पार्टियों के औकात नहीं कि हमसे लड़े, क्योंकि हम सावरकर विचारधारा के, हमारी लड़ाई रियल में अमेरिका और ब्रिटेन के इन दलालों से। आज लोग कह रहा है ना कि मोदी को रोकने के लिए ये खड़ा है, कन्हैया को रोकने के लिए वो खड़ा है। एक आप नेट पे सर्च करके देखिए, अमर सिंह को हर जगह क्राउडेड फंड में ब्लॉक कर दिया गया, जहां से गिरिराज सिंह, कन्हैया, जिग्नेश मेवाणी सबको फंड मिला है। क्यों? क्योंकि हम खुलेआम हिंदुत्व की बात करते हैं, विश्व में किसी को भी हिंदुत्व से कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो या बड़े बड़े नेता हो। इतने बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, वैसे भी लोग जानते हैं कि बीजेपी को पैसे की कोई कमी नहीं। बिल्कुल सर। दूसरी, कन्हैया कुमार को भी अपार पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे कहाँ से मिल रहे हैं ये कन्हैया को मालूम होगा। जी सर। आपको नहीं लगता कि पैसे की जो ये नदियां बह रही है,
बेगूसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत पैसे थे, हमारे क्रांतिकारी कैसे काम किया करते थे। हम हिंदू महासभा, ये विपरीत परिस्थितियों में काम करना हमारा लक्ष्य रहा है, समझते। और ये तो माँ भारती की ऐसे मानिए ना, उनकी स्वाभिमान की लड़ाई, इसे हम रुकने कैसे देंगे, जैसे भी हो हम। अरे आप तो देख ही रहे, यहाँ सबके पसीने छूटे हुए, चाहे मीडिया दिखाए या फिर वो लोग नाम ले या ना ले, पर पसीने सबके छूटे हुए हैं। बेगूसराय की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हिंदू महासभा की तरफ से? हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ चुके, इसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, चाहे पूरा अमेरिका का फौज क्यों ना आ जाए। आप 2020 में देखिएगा, 2019 में तो हम बस कुछ सीटों पर फाइट करें, 2020 में पूरे 243 सीट पर हम फाइट करने जा रहे हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र के नाम से। क्लियर, घोषित है, घोषित है, झारखंड की 81 सीट घोषित है। हम गोवा भी लड़ेंगे क्योंकि गोवा क्रिश्चियन स्टेट है। यहाँ के लोगों को कुछ संदेश देना है सर? बताया तो हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर हो चुके। एक सर छोटी सी आपको स्टोरी सुनाएंगे। जब हम लोग नामांकन के दिन गए थे ना, तो एक जूस वाले ने बुला के हमें बहुत अच्छी सिखा, मैडम दिल को तसल्ली हुई, मैंने अपने जीवन में कभी भगवा ध्वज नहीं देखा था चुनाव में, मतलब कि आपका स्टंट क्लियर है। मतलब जूस वाले जैसे मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ रही है, तो बाकी की तो होश बाकी में उड़ी होगी ना जी। थैंक यू। लेके आएंगे बेगूसराय में एक बदलाव, लेके आएंगे, इसलिए इन्हें बहुमत से जीता। अच्छा, ये तो बेगूसराय की बात हो गई, अब सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? ऑब्वियसली जो हमारा है, जो अमर कुमार के ग्रुप से हैं, उन्हें ही बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब यही चाहेंगे कि वही विजय हो।